सौभाग्य पूज्य गुरुदेव द्वारा 4 दिवसीय यहाँ गीता दिव्य गीता सत्संग का आयोजन करने का सौभाग्य, हम तो ये कहेंगे कि श्री कृष्ण कृपा जियो गीता परिवार ही नहीं पूरे सहारनपुर वासियों को ये मिला है और उसका आनंद लगातार आज तीसरा दिवस है, सभी इसका आनंद ले रहे हैं और ये पूज्य गुरुदेव जी की हमारे ऊपर परम कृपा है कि वो हमें हमेशा से ही स्नेहपूर्वक ये समय दे देते हैं और समिति द्वारा कृष्ण कृपा जियो गीता परिवार द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजित करवाया जाता है। पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में सादर नमन। इसी के साथ थोड़ा सा विलंब है तो मैं सभी आए हुए अपने अतिथियों से निवेदन करूँगा कि पहले पूज्य गुरुदेव जी को पुष्प अर्पित करें और उसके बाद दीप प्रज्वलित भी करें। सबसे पहले मैं बुलाऊंगा हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथि आदरणीय राकेश जैन जी, नगर भाजपा अध्यक्ष। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मंच पे आएं, पूज्य गुरुदेव को पुष्प अर्पित करें और दीप प्रज्वलित भी करें। साथ में आदरणीय किशन लाल अरोड़ा जी से निवेदन करूंगा, हमारे सीनियर सिटीजन के आप फाउंडर हैं। साथ में आदरणीय प्रगीत कौशिक जी से निवेदन करूंगा, हमारे यहाँ विप्र समाज के आदरणीय, आप भी आए पूज्य गुरुदेव जी को पुष्प अर्पित करें और साथ में दीप प्रज्वलित करें। हमारे बीच में प्रमुख समाज सेवी आदरणीय मुकेश मेहता जी हैं, हमेशा से ही पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में पूरे परिवार मेहता परिवार का स्नेह और उसी में हमारे बड़े भैया मुकेश मेहता जी, आपसे निवेदन कि आप मंच पर आए, पूज्य गुरुदेव को पुष्प अर्पित करें और दीप प्रज्वलित करें। आदरणीय हमारे बीच में नूतन शर्मा जी हैं, प्रदेश मंत्री भाजपा, साथ में विक्रम शर्मा जी भी हैं। मैं निवेदन करूंगा मंच पे आए और दीप प्रज्वलित करें। साथ में हमारे बीच में पंडित तिलक राज जी अम्बाला जी से आए, आप भी दीप प्रज्वलित करें। हमारे बीच में पंडित अनिल कोदंड जी, पंडित अनुण शर्मा जी भी हैं, आपसे निवेदन करूंगा आप भी मंच पे आए, दीप प्रज्वलित करें। मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच में श्री अशोक अरोड़ा जी जो हमारे जवाहर नगर सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, साथ में मोनिका अरोड़ा जी गीता पूजन के लिए मंच पे आए, साथ में आचार्य अजय किरण जी, आचार्य शुभम कौशिक जी और हमारे बीच में सतीश कपूर जी अम्बाला से, आप भी मदन छाबड़ा गाजियाबाद से मेरी आवाज सुन रहे थे, वो भी गीता पूजन के लिए मंच पे आए। साथ में स्वामी मंगलानंद जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच पे आए गीता पूजन के लिए और पूज्य गुरुदेव जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं बुलाना चाहूंगा सुनील मदान जी मोहित ट्रेडर से, इनका विशेष सहयोग हमेशा से ही कार्यक्रम में रहता है। सुनील मदान जी मोहित ट्रेडर से, आप भी आए पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त लें। हमारे बीच में मुजफ्फरनगर से आदरणीय अतुल गर्ग जी और सुनील गर्ग जी हैं, आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पे आए पूज्य गुरुदेव जी से आशीर्वाद लें। आदरणीय राजकुमार अरोड़ा जी दिल्ली से हमारे बीच में हैं, आपसे निवेदन करूंगा मंच पे आए। आदरणीय महेश नारंग जी हमारे बीच में हैं, मदन लाल आहूजा जी से अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पे आ जाएं। शैलेंद्र किन्द्रा जी भी हमारे बीच में हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा मंच पे आ जाएं। पंकज कालरा जी मेरी बात सुन रहे हो, अनिल सेठी जी, सभी सेठी जी, सुदर्शन जुनेजा जी, सतीश गिरधर जी, सुनीता निझावन जी डिजनीलैंड स्कूल से जिनके कल बच्चों द्वारा बड़ा सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर दी गई, आप भी मंच पर आए। अमित कोटियाल जी हमारे विशेष अनुरोध पर हमारे बीच में हैं। आदरणीय रमेश गांधी जी जो हमारे ज्वाला नगर सेवा समिति से हैं, संजय रसवन जी, विकास गरोवर जी जिनके नाम बोल रहे हैं, कृपया जल्दी जल्दी आ जाएं। महेंद्र अरोड़ा जी, राजेंद्र खुराना जी, विपिन सचदेवा जी, हीरालाल छाबड़ा जी, नीलम बत्रा हमारे बीच में विशेष अनुरोध पर ज्वालापुर से हैं, आपसे भी अनुरोध करूंगा कि कृपया करके आप भी मंच पे आ जाएं। हमारे बीच में हर्षित प्रधान जी प्रबंधक वीर सुभाष मेमोरियल स्कूल से हमारे बीच में हैं और मोहित संगम जी जो वरिष्ठ कवि हैं, आपसे भी निवेदन कृपया करके आप भी जल्दी से मंच पर आ जाएं, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री कृष्ण कृपा जियो गीता परिवार से जुड़ने के लिए आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा
रचित सत साहित्य का स्टॉल बाहर लगा हुआ है, आप पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित सत साहित्य भी बाहर से ले सकते हैं और लगातार जो आपको सूचनाएं दी जा रही हैं उसको आप सुनें, ग्रहण करें और जो भी हमारे श्री कृष्ण कृपा जियो गीता परिवार के कार्यक्रम हैं उनमें लगातार आपको लगातार सूचनाएं दी जा रही हैं। आज हमारी दीक्षित परिवारों की एक मीटिंग अभी सत्संग के बाद यहीं इसी हॉल में होनी है ऊपर, तो मैं जो भी हमारे दीक्षित परिवार हैं आपस में संपर्क करें और ठीक 8:45 to 6:30 मीटिंग होनी है। कल के कार्यक्रमों की सूचना भी अभी हम आपको कार्यक्रम के पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वचन के बाद देंगे। जिनके नाम बोले हैं कृपया करके जल्दी जल्दी से पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद ले लें। नारायण साथ ही साथ हम शांति बनाए रखें, जहां भी व्यवस्था बैठने की हो शांति से बैठते रहें। और आई भी संगत से निवेदन करूंगा कि सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वचन हम सभी ग्रहण करेंगे। उसी जैसे दो दिन से हमारा कार्यक्रम लगातार चल रहा है, जो भी मंच पे है मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया करके जल्दी से वो मंच से नीचे की ओर आ जाए, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद ले लें। मैं पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में विनम्र निवेदन करूंगा कि वाईवी सभी हमारी संगत को नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गीता अमृत दुहे नमः। स्तुति मंत्र गीता जी के मंगलाचरण के रूप में पाठ पुस्तिका आपके हाथ में है। अंतिम पृष्ठ से पूर्व का पृष्ठ निकाल लें। आज कुछ थोड़ा विलंब हुआ, कहीं और एक गीता चिंतन का कुछ कार्यक्रम सहारनपुर में, वहां से आते हुए, लेकिन आज उसी अनुसार समय का उपयोग करते हैं। अंतिम से पूर्व का पृष्ठ शीघ्रता से मंगलाचरण के रूप में अर्जुन के द्वारा की गई ये स्तुति भगवान का विराट रूप दर्शन करने के पश्चात, आइए मिलकर सब ये पृष्ठ लिखा है ऊपर, भगवत स्तुति प्रार्थना गीता मंत्र 11वें अध्याय के 36 से लेकर 45 तक के 10 श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण। सोते जगते कोई कार्य प्रारंभ करते या घर से कहीं बाहर जाते हुए ये पाठ प्रार्थना पाठ गीता का ये अचूक भाव सिद्ध हो सकता है। ये मिलकर भाव की गहराई से स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीता निदिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा कस्माच्च तेना नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्त सत्तत् परम यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेतासि वेद्यं च परम च धाम
त्वया ततम विश्वमनंत रूप वायुर यमोग्निर वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते स्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत्पृष्टतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित्विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखीति मत्वा प्रसमं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता मयि मानं तवेदं मया प्रमादात् प्रण्येन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकवत्वाप्यच्युतत्समक्षं तत्क्षामयि त्वामहमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभिधिको कुत्वन्य लोकत्रयप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियायारस्देव सोढुम् अदृष्टपूर्वम् इष्ट्वस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्श्य देवरूप प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास। हिंदी में अनुवाद अर्थ समझते हुए और भाव बनाते हुए मिलकर प्रभो आपका कीर्तन करके ही हर्षित जगत पाए अनुराग भी असुर भागते डर के दिशाओं में उचित है कर ब्रह्म निषिद्ध सब तुम्हें ब्रह्मा के आदि बड़े सबसे हो नमस्कार क्यों ना करें आपको सत्या असत्या परे इससे भी सब कुछ प्रभु आप बस आप ही आदि देव भगवन सनातन भी हो परम धाम सबको सहारा भी दो सर्वज्ञ तुम जानने योग्य भी समाया तुम्हें में जगत ये सभी यम वायु अग्नि वरुण चांद तुम पिता ब्रह्मा के और हो ब्रह्मा भी तुम नमस्कार तुमको हजारों ही बार नमस्कार भगवान है फिर नमस्कार नमस्कार आगे व पीछे से भी सब ओर से है नमस्कार ही तुम्ही में है सृष्टि सारे प्रभु सब कुछ सृष्टि के तुम ही तो माना प्रभु तुमको अपना सखा न परिभाव जाना कभी आपका प्रेम और परमात्म में भर के ही कहा कुछ भी मैं नहीं हो तुमसे कभी सोते जागते खाते हंसते हुए अकेले किसी के दिया सामने अपमान
मुझसे है कुछ भी हुआ भगवान क्षमा उसकी हूँ चाहता चरा चर जगत के पिता हो तुम्ही गुरु गुरु हो के भी हो पूज्य तुम्ही न सम आपके कोई त्रिलोकिनी बढ़कर कोई कैसे हो आपसे चरणों में गिर करता प्रणाम कृपा करो मुझ पे विनती करो पिता पुत्र सखा मित्र पति पत्नी को हरी माफी वैसे ही मुझको करो हर्षित हूँ मन भय से है कांपता हरी देखा ना रूपी ये आपका मुझे रूप पहला ये दिखलाइए देवेश प्रसन्न हो जाइए हे देवेश प्रसन्न हो जाइए नारायण 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 सभी शांत सत्संग में सत्संग के भाव जिज्ञासा के साथ बैठने का प्रयास आपस में बात नहीं और सत्संग के समय मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल नहीं ये सभी ध्यान रखें प्रार्थना मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं आप मुझसे दूर ना रहें मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें जय श्री कृष्ण जय श्री राधे जय भगवद गीते जय गौ माता जय गुरुदेव चार दिवसीय सत्संग का आज तीसरा दिवस स्वाभाविक जो भाव प्रारंभ हुआ था प्रथम दिन श्री गीता जी के चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक का उत्तरार्ध जहां भगवान कृष्ण ने कहा पार्थ वही पुराना उपदेश जो पहले सूर्य इक्ष्वाकु और परंपरा के अनुसार मनु को मिला मनु से फिर आगे राजऋषियों तक आया एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजऋषियो विदु वही उपदेश पार्थ वहां शब्द भी है सा एवायम मया ते अध्याह योगः प्रोक्तः पुरातनः हे अर्जुन वो पुरातन उपदेश मैं आज के संदर्भ में अर्वाचीन भाव के साथ तुझे फिर से कह रहा भगवान कृष्ण की भगवद गीता में आप अनेक दिव्यताएं देखेंगे ये भगवद गीता पूरे विश्व में सभी विचारकों चिंतकों स्कॉलर्स रिसर्चर्स साहित्य जगत से जुड़े लोगों के उदार चिंतकों की अगर पहली पसंद बना तो यूं ही नहीं उसके बहुत से कारण हैं बहुत से लॉजिक हैं बहुत से तर्क हैं उसके पीछे बहुत सी कुछ
यूनिक स्पेशलिटीज हैं जो और कहीं नहीं है पूरे विश्व के साहित्य में, जिन कारणों को लेकर गीता विश्व का एक सर्वमान्य ग्रंथ बना। उन कारणों में एक कारण यह भी है कि साक्षात भगवान की वाणी है, यह निश्चित है कि कल संकेत किया था समूचे विश्व में एक ही शास्त्र, एक ही साहित्य जगत का ये दिव्य भाव जहां श्री भगवान वाच लिखा हुआ है, भगवान बोले ऐसा विश्व में और कहीं नहीं कि स्वयं भगवान ने अपनी बात कही हो उपदेश के रूप में। लेकिन भगवान बोले ये निश्चित है, लेकिन भगवान की वाणी ही इसका कारण नहीं है, मूलतः कारण है भगवान का आचरण। गीता के पीछे केवल भगवान की वाणी ही नहीं है, कहीं आप देखेंगे भगवान ने कहा पार्थ ये गीता जो है ना ये मेरा हृदय है, गीता में हृदयम पार्थ, ये मेरा हृदय है कि अर्जुन, अर्थात मैंने केवल शब्द नहीं कहे, मैंने अपने हृदय को उड़ेला है इन शब्दों के पीछे, और हृदय के पीछे भी मेरा व्यवहार है। अपनी संस्कृति में तीन शब्द विशेष प्रयोग किए जाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। मन कर्म और वचन से, मन वचन और कर्म से एक होकर के, कि जो बात वाणी से निकली है मेरे मन का भाव भी वही हो और मेरा कर्म मेरा आचरण भी वही बता रहा हो। क्योंकि बात वाणी से कही गई उपदेश के लिए, लेकिन अपना व्यवहार वैसा है ही नहीं, केवल पर उपदेश कुशल बहुत तेरे की बात है, अपना ना वैसा स्वभाव ना आचरण न व्यवहार, वो उपदेश कहीं ना कहीं अधूरेपन में रहता है, वो उपदेश कहीं ना कहीं निष्प्रभावी होता है, अपना व्यापक प्रभाव नहीं बना पाता वो उपदेश। और इसीलिए अपने यहां महात्मा की भी जो परिभाषा की गई, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना, महात्मा कौन, वेश की बात नहीं, महात्मा कौन उसके लिए कहा गया जो मन से वचन से और कर्म से एक है वह महात्मा। यहां आप देखेंगे गीता का ज्ञान, भगवान की वाणी है एक, केवल वाणी नहीं भगवान का आचरण है गीता, भगवान का हृदय उड़ेला हुआ है गीता में, अंदर की भावनाएं गीता के माध्यम से प्रकट होती दिखती हैं भगवान के द्वारा, और व्यवहार बिल्कुल आप देखेंगे परंपराओं का सम्मान भगवद गीता में। भगवान यद्यपि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, पूरी सृष्टि के मालिक है, गीता में स्वयं कहते हैं अर्जुन पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, हे पार्थ मैं सारे जगत का, केवल भारत का नहीं कहा, केवल हिंदुओं का नहीं कहा, भगवान ने कहा पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, हे अर्जुन मैं सारे जगत का, सारी सृष्टि का पिता माता और पितामह भी धाता भी, अर्थात सारी सृष्टि को धारण करने वाला भी मैं ही। तो कृष्ण की वाणी, कृष्ण केवल कल इशारा था, ये केवल माखन चुरैया कृष्ण की वाणी नहीं है, ये केवल चीर चुरैया कृष्ण की वाणी नहीं है, ये केवल रास रचैया कृष्ण की वाणी नहीं है, यद्यपि वो सब इन्हीं कृष्ण के लीला स्वरूप है, लेकिन ये वाणी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक की है, ये वाणी कृष्ण की उस दिव्यता की है जहां कृष्ण ये कहते हैं कि पार्थ मैं सब में हूं, सब मेरे में है, मैं किसी से अलग नहीं और कोई मेरे से अलग नहीं, मैं कण कण में हूं पार्थ और कण कण मेरे में है,
ये उस कृष्ण की वाणी है जो ऐसे ऐसे संकेत भगवद गीता में बहुत स्पष्ट ढंग से करते हैं। लेकिन तो भी आप देखेंगे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, अर्जुन को कह सकते थे कि पार्थ जो मैंने कह दिया बस यू विल हैव टू डू, नॉट टू क्वेश्चन व्हाई, क्यों, क्योंकि प्रश्न नहीं पार्थ, कोई तर्क नहीं आगे, जो कह दिया बस तुझे करना है। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा, आदेश की भाषा नहीं बोली। भगवान ने गीता में बात स्थान स्थान पर अर्जुन को अपने मन की बात कहने का अवसर दिया है। ये गीता जी की एक अनूठी विशेषता है, अपने मन की बात कहने का अवसर। और यही कारण है स्थान स्थान पर आप देखेंगे कहीं अर्जुन वाच है, अर्जुन जहां बात मुश्किल लगती है अर्जुन विनम्रता से पूछता है कृष्ण ये कैसे है। और ये जो तीसरा श्लोक है, जैसे ही भगवान ने कहा उसके पश्चात भी अर्जुन का एक प्रश्न है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अर्जुन ने अपने मन की बात कही, पूछी, संवाद की शैली है, इशारा किया गया था कि अपनी भारतीय मनीषा, भारतीय ग्रंथ परंपरा पूरी की पूरी संवाद की शैली में, वैदिक सनातन पूरी परंपराएं, वेद उपनिषद पुराण महाभारत रामायण और भगवद गीता सबके सब ग्रंथ आप देखेंगे संवाद की शैली में है, आपस में भावों को शेयर किया गया है, शिष्य के भावों को टटोला गया है और शिष्य के भावों के साथ आचार्य के द्वारा या यहां गीता में तो स्वयं भगवान के द्वारा अपने भावों को मिलाया गया है साथ। और एक अद्भुत बात, भगवान ने कहीं नहीं कहा कि ये मेरी ही बात है। भगवद गीता में आप देखेंगे भगवान ने पूरी परंपराओं का सम्मान किया है, पूरी परंपराओं का, कहीं ग्रंथ परंपरा का सम्मान किया, शास्त्रम प्रमाणम, अर्जुन जब तुझे लगे ना कि क्या करना है क्या नहीं करना, इसकी सही व्यवस्था समझ में नहीं आ रही, शास्त्र खोल, शास्त्र को प्रमाण मान, शास्त्र तुझे बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना। हम सब जानते हैं कि भारत के सब बाहर की व्यवस्थाएं अच्छी चलें उसके लिए एक संविधान बना हुआ है। और अभी इसी महीने गणतंत्र दिवस आएगा 26 जनवरी को, संविधान का दिन, यद्यपि संविधान का जो तैयारी का दिन अलग से है लेकिन लागू हुआ गणतंत्र दिवस अब यह ही रहा है। तो एक संविधान है, बाहर की व्यवस्थाएं कैसे चले, कानून कैसे चले, प्रशासन कैसे चले, आम नागरिक को कैसे चलना है, समाज में कैसे रहना है, वो एक व्यवस्था है। लेकिन भगवद गीता एक ऐसा मैनुअल है, एक ऐसा लाइफ मैनुअल है, जीवन संविधान है कि जीवन को कैसे जीना है, कैसे अच्छे से जीना है, कौन बताएगा, कौन समझाएगा कि बुद्धि का प्रयोग कैसे करना है, बुद्धि बिगड़े नहीं, बुद्धि अच्छी रहे, कौन बताएगा, वो बाहर का संविधान नहीं, वो बाहर की व्यवस्था देगा। लेकिन ये संविधान जो है ये आपको बताएगा कि बुद्धि जीवन का सबसे बड़ा उपहार है, ये बिगड़े नहीं कहीं, क्योंकि बुद्धि बिगड़ी तो गीता ने कहा बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि बिगड़ गई तो सब कुछ बिगड़ गया। और ये केवल उपदेश की बात नहीं, व्यवहार जगत में आप देखेंगे और कई बार हमारे पास भी ऐसे उदाहरण जब आते हैं सुनने में मिलता है, कोई पेरेंट्स कोई अभिभावक जब बच्चे की बात लेकर आते हैं कि महाराज बच्चे ने सब कुछ बिगाड़ दिया, तो हम जब गहराई में देखते हैं सोचते हैं तो लगता है कि बच्चे ने नहीं, बच्चे की बिगड़ी हुई बुद्धि ने बिगाड़ दिया। और बुद्धि बिगड़ती है उसके और पीछे जाएं जब कुसंगति मिलती है,
जब बुरी संगति में कोई पड़ता है, बुरी संगति सीधा प्रहार बुद्धि पर करती है। जहां कोई कंपनी सोसाइटी ऐसी मिली, जहां कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा बना जो बुरी आदतों में है, वो सीधा बुद्धि पर प्रहार करेगा, बुद्धि बिगड़ेगी, बुद्धि के निर्णय बिगड़ेंगे और जीवन की दिशा बिगड़ जाएगी। इसीलिए गीता ने बार बार कहा बुद्धौ शरण मनविच, बुद्धि योगम उपाश्रित्य, बुद्धि को योग की ओर ले जाओ, बुद्धि के निर्णय में केवल भोग नहीं भरो, बुद्धि योगम उपाश्रित्य, बुद्धि के निर्णय में योग के भाव को लाओ साथ। तो ऐसी व्यवस्था है गीता में, बुद्धि बिगड़े नहीं उसके लिए व्यवस्था है, मन शांत रह पाए, मन स्थिर रह पाए, स्टेबल रह पाए, मन को केवल टेंशन का केंद्र ना बनाए, मन को ऊर्जावान बनाए, एनर्जेटिक बनाए, मन लड़खड़ाया हुआ ना रहे, घबराया हुआ ना रहे, मन मजबूत हो। विचारिक शक्ति है, विचार हर समय ऊहा पोह में ना उलझे रहे। अधिकतर हम देखते हैं विचारों की ऊहा पोह लगी रहती है, हर समय सोचने की आदत बन जाती है, हर समय अंदर टेंशन पाले रखने की आदत बन जाती है। लेकिन गीता ने कहा मन वही है, टेंशन में लगेगा कमजोर होगा, बात बात में इरिटेट होता रहेगा मन कमजोर होता रहेगा। मन एक शक्ति भी बन सकता है, एक ऊर्जा बन सकता है, लेकिन कैसे, अब गीता में पढ़ेंगे, अनेक सूत्र मिलेंगे, अनेक प्रेरणाएं मिलेंगी। तो गीता अपने आप में एक मैनुअल है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो भगवान ने बात कहते हुए ये संकेत किए, इस शास्त्र को प्रमाण मानो यदि जीवन में को अच्छे ढंग से जीना है तो। और भगवद गीता तो पूरी मानवता के लिए एक दिव्य प्रमाण है, एक दिव्य प्रेरणा है भगवद गीता। कई ऋषियों की परंपरा का सम्मान किया भगवान ने, ऋषिवीर बहुधा गीतम, छंदो भी विविध पृथक, कई ग्रंथ परंपरा, कई ऋषि परंपरा, कई गुरु परंपरा का सम्मान किया। भगवान ने ये नहीं कहा पार्थ मैं ही तुझे ज्ञान दूंगा, भगवान ने कहा तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। अर्जुन वास्तविक ज्ञान लेना है, तात्विक ज्ञान लेना है, सात्विक ज्ञान लेना है, किसी ऐसे महापुरुष के पास जा जिन्होंने पहले से उस ज्ञान के तत्व को पहचाना हुआ है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो पूरी गीता में आप पाएंगे भगवान की भूमिका, बिल्कुल एक ऐसी भूमिका जहां सारी परंपराओं का सम्मान है, जहां स्वयं के अंदर के भावों को पूरी तरह से किसी को उड़े किसी के लिए उड़ेलने की परंपरा है, वो आप पाएंगे गीता जी की दिव्यता, गीता जी का भाव। और यहां फिर भगवान वही दिव्यता प्रकट करते हैं, अर्जुन जो उपदेश मैं तुझे दे रहा हूं ये उपदेश नया नहीं है पार्थ, ये सृष्टि के आदिकाल से चलता आ रहा उपदेश है, सृष्टि के प्रारंभ से चलता आ रहा उपदेश है। उस उपदेश की एक झलक, कुछ झलकियां आज हम लेंगे, उससे पूर्व दो मिनट के लिए भगवान नाम का आश्रय ले लेते हैं और क्रम से कोई दो तीन झलकियां आज गीता प्रेरणाओं के जो हमारे व्यवहारिक जीवन को बिल्कुल एक आनंदमय जीवन बना पाए, मंगलमय जीवन बना पाए, सद्भावना में जीवन बना पाए, हम उसकी ओर बढ़े। उसे पूर्व एक दो मिनट के लिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गीता पढ़े और गीता पढ़ाए गीता पढ़े और गीता पढ़ाए आप जगे औरों को जगाए आप जगे औरों को जगाए आप हंसे औरों को हंसाए आप हंसे औरों को हंसाए गीता को जीवन का गीत बनाए गीता को जीवन का गीत बनाए गीता को जीवन का गीत बनाए हे नाथ नारायण वासुदेवा गीता को जीवन का गीत बनाए हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा प्रारंभ से ही गीता जी का प्रथम सूत्र हम लेते हैं जहां से गीता प्रारंभ हुई आप देखेंगे कि वो एक एक वाक्य प्रारंभ से ही जीवन के साथ कितना जुड़ा हुआ है और वहां आपको ये भी लगेगा कि गीता किसी भी प्रकार से केवल अतीत का ग्रंथ नहीं केवल उस अर्जुन के लिए ग्रंथ नहीं लगेगा और लगना चाहिए कि गीता मेरे लिए है मेरे कल्याण के लिए मेरे आनंद में जीवन के लिए
मेरे जीवन को सहज शांत बनाने के लिए, मेरी क्षमताओं को और अच्छा निखारने के लिए है गीता। मैं जहां हूं मैं अच्छा बनकर रहूं उसके लिए है गीता। मैं जो हूं मैं अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाऊं उसके लिए है गीता। केवल बाहरी दिखावा नहीं, केवल बाहरी बड़प्पन गीता को नहीं पसंद। भगवद गीता ने कहा युज श्रद्धा सहीर सा, जैसा जिसका अंदर का भाव है वो वैसा है। तो गीता का संकेत है कि अपने भावों को शुद्ध बनाओ, वहां आपका बड़प्पन निकल। तो गीता क्षमताओं को निखारने का ग्रंथ है। एक विद्यार्थी कैसे अपनी क्षमताओं को अच्छा निखार सके उसके लिए गीता है। एक टीचर कैसे अपने अध्यापन कार्य के रूप में कैसे बच्चों के जीवन को और आगे अच्छा बना सके उसके लिए गीता है। आप पाएंगे एक एक वाक्य। हम प्रथम वाक्य देखते हैं कुछ सूत्रात्मक प्रेरणाओं के रूप। गीता का पहला अध्याय पहला श्लोक प्रारंभ होता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे से। देखो वाक्य पढ़ने में लगता है कि कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि है भी सही। उस रूप में आप कुरुक्षेत्र को देखेंगे तो आपको लगेगा कुरुक्षेत्र का अतीत बहुत समृद्ध है, बहुत समृद्ध। इतनी दिव्य भाव कुरुक्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं। वह एक कालखंड था बीच में, जैसे भगवान ने कहा ना अर्जुन से कि पार्थ सकाले निहमेता योगो नष्टा परंतप। एक काल था पार्थ जब ये योग लुप्त सा हो गया। ऐसे एक समय था कि कुरुक्षेत्र के महत्व को कहीं बाहर प्रकट ही नहीं होने दिया, हो ही नहीं पाया। लेकिन कुरुक्षेत्र किसी भी रूप में देखें आप, आस्था की दृष्टि से अद्भुत प्रेरणात्मक भाव जुड़े हैं कुरुक्षेत्र के साथ। वेदों की ऋचाएं वहां प्रकट हुई है कुरुक्षेत्र में। ब्रह्मा जी की उत्तर वेदी रही है उत्तर क्षेत्र की कुरुक्षेत्र। ब्रह्म सरोवर पूरे विश्व में कुरुक्षेत्र की एक दिव्यता रही है। और केवल महाभारत युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र नहीं, पूरे विश्व को चौंकाने वाला कुरुक्षेत्र के युद्ध में दिव्य गीता का ज्ञान गूंजा है कुरुक्षेत्र की धर्म धरा पर। ये संयोग ही है हम कुरुक्षेत्र की कुछ ज्यादा चर्चा कर रहे थे तो कुरुक्षेत्र वाले हमारे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सचिव मदन मोहन छाबड़ा जी पूरी कर्मठता के साथ कुरुक्षेत्र के लुप्त प्राय हो चुके स्थलों में और फिर से एक नया रूप देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। तो अभी कुरुक्षेत्र से स्वाभाविक संयोग था, ऐसा नहीं था कि हमने मदन जी को देख के कुरुक्षेत्र की चर्चा। हाँ, कुरुक्षेत्र की चर्चा से कुछ सुनकर शायद आगमन हुआ। बहुत दिव्य भूमि है कुरुक्षेत्र, गीता का उपदेश हुआ, ये कम महत्व नहीं कुरुक्षेत्र का। लेकिन ये जो वाक्य है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये केवल कुरुक्षेत्र की महिमा तक के लिए नहीं है। इसके यदि लाक्षणिक अर्थ ले, दार्शनिक अर्थ ले, एलिगोरिकल मीनिंग्स इसमें से निकालें तो बड़ी प्रेरणा मिलती है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र धर्मम कुरु, अपने अपने कर्म क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाओ। दो तीन इशारे जीवन के लिए। देखो कर्म सबको करना है, कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता। ऐसे संकेत भगवद गीता में अनेक हैं। ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। तीन बार तो भगवान ने सीधे संकेत किए कि अर्जुन कर्म किए बिना एक क्षण भी कोई नहीं रह सकता।
कर्म किए बिना शरीर की यात्रा चल ही नहीं सकती। शरीर यात्रा पीछे तेना प्रसिद्धि द कर्मणा, शरीर यात्रा ही नहीं चल सकती। ऐसे ऐसे कई संकेत, इससे एक बात और स्पष्ट होती है। जिन लोगों को ये लगता है कि भगवद गीता तो कर्म का त्याग देने वाला, कर्म के त्याग की प्रेरणा का ग्रंथ है, ऐसा नहीं है। कर्म का त्याग तो गीता को मान्य ही नहीं, भगवान ने तो सन्यास की और सन्यासी की भी जो गीता में परिभाषा की वो केवल वस्त्रों के रूप में नहीं की कि ये वेश बना लिया तो सन्यासी बन गए, ऐसा नहीं गीता ने कहा। गीता ने तो कहा गया सा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। अंदर का द्वेष, अंदर की राग, अंदर के अहम ये निकल गए, अंदर का सन्यास गीता को मान्य है, अंदर का त्याग गीता को मान्य है, कर्म का त्याग नहीं। एक भी शब्द नहीं गीता में जहां कर्मों के त्याग की बात कही गई हो, त्याग भाव से कर। और इसलिए यहां कहा कि कर्म तो सबको करने ही है। अच्छा एक बात सोचो, कर्म करते भी रहे और अपने ही कर्मों को अपना बंधन बना लें, ये बुद्धिमत्ता है क्या? अपने कर्म अपनी टेंशन बन जाएं, ये अच्छी बात है क्या? अपने कर्म अपनी ही समस्या बन जाएं, ये अच्छी बात है क्या? अब विचार करें, कर्म तो उस ढंग से होने चाहिए कि मेरे कर्म मेरी समस्या नहीं बने, मेरे कर्म मेरा आनंद बने, मेरे कर्म मेरे आवागमन का, मेरे बंधन का कारण नहीं, मेरे कर्म मेरे मोक्ष का कारण बने। कर्म उस ढंग से होने चाहिए, तो उसके लिए गीता का संदेश है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा गया है और सब योनियां जितनी हैं, भले ही मनुष्य से नीचे की योनियां हैं, थोड़ी समझने की बात है गीता की, कि गीता में केवल कथाओं का क्रम तो है नहीं। भागवत या रामचरितमानस की तरह गीता तो जीवन का दर्शन है। तो एक बात को समझे, देखो मनुष्य से नीचे की योनियां जितनी हैं वो पाप योनियां हैं, उन्हें अपने पाप कर्मों की प्रारब्ध पूरी करनी है। नए सिरे से वो कुछ नहीं कर सकते, पशु पक्षी कीट पतंग जितनी योनियां हैं, नए सिरे से कुछ नहीं वो कर सकते कल्याण के लिए। मनुष्य से ऊपर की जितनी योनियां हैं वो सब पुण्य योनियां हैं, उन्हें अपने पुण्य कर्मों की प्रारब्ध पूरी करनी है, नया वो भी कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए भगवद गीता ने यह भी स्पष्ट किया कि अच्छे कर्म पुण्य कर्म देवलोक मिल जाएगा, लेकिन वहां जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, पुण्य क्षीण हो जाएंगे फिर इसी धरा पर आना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य जीवन है जहां पिछली प्रारब्ध पूरी करने के साथ साथ नए सिरे से कर्म हो सकते हैं, नई प्रारब्ध बन सकती है, कुछ कल्याण के द्वार खोले जा सकते हैं। वो केवल मनुष्य योनि है, केवल मनुष्य योनि। और इसीलिए मनुष्य योनि को देवताओं से भी बेहतर कहा गया। देवता भी ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं, देव भी भगवान नारायण की शरण में आकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं, गायन्ति देवा किलगीत काने धन्यास्तुते भारत भूमि भागः। देवता प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे नारायण, इन भारत में रहने वाले मनुष्यों ने ऐसा क्या पुण्य किया है कि ने आपने भारत भूमि में मनुष्य जन्म दिया है, हमारी भी ऐसी अभिलाषा है।
भागवत में भी आता है, आओ अमीशाम किम कारि शोभनम, प्रसन्न ईशाम सिद्ध तुम स्वयं हरि। स्वयं हरि ने प्रसन्न होकर ये जो कृपा की है, देवता कहते हैं हे हरि हम पर भी ऐसी कृपा कर। देखो एक बात सभी थोड़ा खुले मन से ले कि जिस मनुष्य जीवन के लिए और वो भी भारत भूमि पर देवता भी तरसते हैं। सुर दुर्लभ सदग्रंथनी कावा, मनुष्य जीवन को इसीलिए सुर दुर्लभ देव दुर्लभ भी कहा गया। हम सबका कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना बड़ा सौभाग्य है मनुष्य जीवन मिला है और वो भी भारत भूमि में मिला है, कहीं और नहीं मिला। ये छोटी सी बात नहीं है। पूरे विश्व में आज भी संस्कारों की धरा यदि कोई है वो भारत है। समय भले ही कितना बदल गया हो या अलग अलग रूप ले रहा हो, लेकिन तो भी आज भी यदि संस्कारों की प्रेरणा मिलेगी तो भारत में ही मिलेगी या भारत से मिलेगी। भारत में या भारत से कहीं बाहर भी मिलेगी, भारत से मिलेगी। अध्यात्म का तत्व कहीं से मिलेगा तो केवल भारत से मिलेगा। शांति की आवाज यदि कहीं से निकलेगी तो भारत से निकलेगी। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने तो सदैव शांति और सद्भाव के गीत गाए हैं। हमारे ऋषियों ने सदा से ही पूरे विश्व के मंगल के गीत गाए हैं। भारत भूमि में मनुष्य जन्म मिलना इसे आप विशेष सौभाग्य माने, विशेष सौभाग्य। तो देवता भी तरसते हैं इस मनुष्य जीवन के लिए। हमें मिला है बस भगवद गीता का आश्रय लेकर, ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जैसे वाक्यों को आदर्श मान करके कुछ ऐसा निश्चय कर लें कि हमें कर्म इस ढंग से करने हैं कि मेरे कर्म मेरे भी जीवन को सार्थक करने वाले हों और मेरे कर्म दूसरों के लिए भी आदर्श प्रेरणा बने। वो कैसे होगा? कर्म के साथ धर्म को जोड़े। और धर्म को जोड़ने का अभिप्राय क्या है? कोई मजहब नहीं। गीता में कहीं भी धर्म का शब्द मजहब के रूप में नहीं लिया गया, रिलीजन के रूप में नहीं लिया गया। गीता का धर्म है सद्गुण, गीता का धर्म है सद्वृत्तियां, गीता का धर्म है सद्विचार, गीता का धर्म है सदाचार, गीता का धर्म है परमात्मा का आश्रय लेकर के अपने अपने कर्म करना, अहम रहित होकर के। दो तीन सूत्र इसमें, फिर हम अगले एक दो सूत्र और लेंगे कि कैसे ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की प्रेरणा सार्थक हो जीवन के अंदर। वही कर्म जब ईगो के साथ करते हैं, अहम के साथ, मैं कर रहा हूं उसके साथ करते हैं, तो कर्म कहीं ना कहीं बंधन का हेतु बनता है। और वही कर्म जब इतना सा भाव यदि बना लिया कि मैं नहीं कर रहा, मेरे गोविंद मेरे ठाकुर आपकी कृपा से हो रहा है। ये केवल गाने की गीत नहीं है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये केवल ठीक है, गाने में आनंद है और अच्छी बात है, ऐसे ऐसे भजन गुनगुनाना गाना, लेकिन वास्तविकता यही है कि कर्म हम कर नहीं रहे, कर्म उसकी कृपा से हो रहा है। आप अपने शरीर का सिस्टम देखें, कौन चला रहा है? हृदय की धड़कन कौन चला रहा है? श्वासों की सरगम किसके कारण से चल रही है? कौन चला रहा है? अंदर का पूरा सिस्टम रक्त संचार जो है कौन चला रहा है? क्या हम, क्या हमारी ईगो, या किसी वैज्ञानिक का विज्ञान, या किसी डॉक्टर के कारण से? केवल और केवल
ईश्वरीय सत्ता, ईश्वरीय चेतना, ईश्वरीय कृपा वो अंदर है तो सिस्टम चल रहा है, वो है तो श्वास चल रहे, वो है तो हृदय की धड़कन चल रही है, वो है तो अब देखें खून बनता कहां है और पहुंचता कहां है दिमाग की एक एक नस तक। बहुत बारीक नसें हैं दिमाग की, मस्तिष्क की, बहुत बारीक। बहुत सी नसें तो बाल से भी ज्यादा बारीक कही गई हैं, और कुछ नसें ऐसी हैं जो घोड़े के बाल से भी बारीक हैं। घोड़े के बाल, सबसे बारीक बाल घोड़े का माना जाता है, उससे भी बारीक नसें हैं दिमाग। ये तो सच में ईश्वर की कृपा है जो चल रहा है सिस्टम, वरना हम तो ना जाने कितना कितना दबाव दिमाग में बनाए रखते हैं, कितना कितना उलझाए रखते हैं इस मस्तिष्क को, कहां कहां की सोच। कोशिश करो कि बहुत अधिक सोचने की उहापोह में उलझने की आदत नहीं, हर समय दिमाग को भरे रखना कुछ ना कुछ सोच, कुछ ना कुछ चिंता, कुछ ना कुछ चिंतन। आप कहेंगे करें क्या, संसार है उलझाए रखता है, तो संसार तो अपना काम करेगा, उसका स्वभाव ही है। इसीलिए तो गीता कहती है ना कि मन से भगवान के बन करके शरीर से कर्म करो, मन से उस पर छोड़ करके, जैसा कल आप सबने गुनगुनाया समापन पर, छड़ी तेरे उते, केवल एक लाइन कल वाली फिर से गुनगुना लेते, छड़ी तेरे उते जिंदगी दी डोर सावरे, नहीं दिसदा सहारा कोई होर सावरे, छड़ी तेरे उते जिंदगी दी डोर सावरे, नहीं दिसदा सहारा कोई होर सावरे, छड़ी तेरे उते जिंदगी दी डोर सावरे, नहीं दिसदा सहारा कोई होर सावरे, छड़ी तेरे उते जिंदगी दी डोर सावरे, नहीं दिसदा सहारा कोई होर सावरे, नहीं दिसदा सहारा कोई होर सावरे, नहीं दिसदा सहारा कोई होर सावरे। मोह शौक भेदिच जदो अर्जुन डोलिया, 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 देखे गीता दा ज्ञान अर्जुन नू संभालिया, देखे गीता दा ज्ञान अर्जुन ने संभालिया, मन मेरा भी बड़ा है कमजोर सावरे, मन मेरा भी बड़ा है कमजोर सावरे, नहीं दिसदा सहारा कोई होर सावरे, नहीं दिसदा सहारा और सावरे, छड़ी तेरे उत्ते जिंदगी दी डोर सावरे, नहीं दिसदा सहारा कोई होर सावरे, छड़ी तेरे उत्ते जिंदगी दी डोर सावरे, नहीं दिसदा सहारा सावरे, नहीं दिसदा सहारा कोई होर सावरे। तो कर्म करना ही है, अहंकार के साथ करो या समर्पण भाव के साथ करो,
अर्जुन और दुर्योधन दोनों में यही अंतर है। महाभारत युद्ध में दुर्योधन ने भी प्रवेश किया लेकिन अपने अहंकार के साथ, ईगो मैं। अर्जुन ने प्रवेश किया छड़ी तेरे उत्ते जिंदगी दी डोर सांभ, लगाम सौंप करके, अहंकार के सहारे नहीं कृष्ण मुरार के समर्पण के सहारे। कर्म दोनों कर रहे हैं, युद्ध अर्जुन ने भी किया, युद्ध दुर्योधन ने भी किया, लेकिन अंतर कहां था? दुर्योधन हर समय जिसके पास जाना है अहंकार साथ लेकर। आज जो कुछ मिनट देरी हुई तो कहीं कुछ गीता चिंतन का भाव था, तुम यही बात कह रहे थे, प्रारंभ अध्याय का प्रारंभ करवाना था कहीं, कि गीता के प्रारंभ में दुर्योधन अपने गुरु के पास जाता है, द्रोणाचार्य के पास। दूसरा श्लोक आप देखेंगे तो वहां आचार्यमुप संगम दृष्ट्वा तो पांडवानेकं व्युढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुप संगम में राजा वचनम अब्रवीत। दुर्योधन गया अपने गुरु के पास, लेकिन कैसे जाना है बड़ों के पास ये भी गीता आपको सिखाएगी। बड़ों से बात कैसे करनी है गीता आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, बात करने का ढंग भी गीता से पता लगेगा। दुर्योधन गया अहंकार साथ में लेकर के, गुरु के पास बात भी कर रहा है पूरे अहंकार के साथ, ईगो के साथ, मन में ईर्ष्या द्वेष भर करके। और दूसरे पहले अध्याय का दूसरे श्लोक से लेकर ग्यारहवें तक के जो 10 श्लोक हैं, पूरे श्लोक यदि विचार दृष्टि से आप देखेंगे तो वहां आपको अर्जुन दुर्योधन की का छल, दुर्योधन का कपट, दुर्योधन की ईर्ष्या, दुर्योधन का द्वेष, दुर्योधन का रोष, दुर्योधन का आक्रोश, दुर्योधन का अहम, ये सब कुछ दिखाई देगा। और एक बात और जो कल चली थी कि कल यहां की जेल में जाकर भी जो एक वाक्य उसकी चर्चा हमने की थी, अहंकार का सर नीचा, लाभ क्या हुआ? अहंकार से क्या मिला दुर्योधन को? पूरी महाभारत आप पढ़ के देख लें, दुर्योधन कभी भी, दुर्योधन के जीवन की विडंबनाओं में हमें लगता है जो सबसे बड़ी एक विडंबना रही वो ये रही कि दुर्योधन कभी भी किसी का आशीर्वाद नहीं ले पाया जीवन। प्रयास करो जीवन, और जीवन को ऐसा ढालने का प्रयास करो कि जीवन में बड़े बुजुर्गों की दुआएं मिलती रहे, आशीर्वाद मिलता रहे। और कल एक बात कही थी कि जीवन कुछ इस ढंग का अगर हम जी पाए और गीता साथ रखोगे निश्चित जी पाओगे, इस ढंग का जीवन कि हम माता पिता का विश्वास जीत पाए, हम गुरुजनों का विश्वास पात्र बन पाए, हम भगवान के विश्वास पात्र बन पाए, जीवन कुछ ऐसा हो। और वो तभी होगा जब खुले मन से, दुर्योधन जैसी जीवन शैली, किसी का विश्वास नहीं, दुर्योधन विश्वास पात्र नहीं बन पाया दुर्योधन। धृतराष्ट्र भले ही दुर्योधन के पक्ष की बात करता है, क्योंकि गीता का प्रारंभ एक मानसिक दृष्टिहीनता के साथ है गीता का प्रारंभ, और गीता का समापन मन की आंखें खोलने के भाव के साथ है। धृतराष्ट्र भले ही मानसिक अंधता के कारण से हर समय पुत्र के अनुचित भाव का भी पक्ष लेता दिखता है महाभारत में, लेकिन जानता है धृतराष्ट्र भी कि मेरे पुत्रों का हश्र क्या होने वाला है। और इसीलिए जब महर्षि व्यास कहते हैं दिव्य दृष्टि देने आया हूं राजन, धृतराष्ट्र इनकार कर देता है कि नहीं चाहिए मुझे, मुझे नहीं लेनी महर्षि। आखिर क्यों? धृतराष्ट्र का डर, धृतराष्ट्र के अंदर की चिंता व्याकुलता धृतराष्ट्र से बुलवा ही देती है कि महर्षि
जीते जी अपने पुत्रों को देख नहीं पाया, मैं दिव्य दृष्टि लेकर उन्हें मरते हुए नहीं देखना चाहता। जानता है गांधारी का विश्वास भी नहीं जीत पाया, और तो किसी का क्या दुर्योधन। ऐसे प्रसंग मिलते हैं, गांधारी के पास आशीर्वाद लेने गया विजयी होने का, लेकिन गांधारी ने साफ मना कर दिया, दुर्योधन झूठा आशीर्वाद कैसे दे दूं तुझे। कहीं ना कहीं भारत का दर्शन यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा गांधारी दुर्योधन की मां है, लेकिन एक पातिव्रत धर्म का भी निर्वहन किया, उससे बल भी मिला, और उस बल से गांधारी ने दुर्योधन को यह कह भी दिया कि विजयी होने का आशीर्वाद तो मैं मुंह से नहीं निकाल सकती, तू विजयी हो, हां तो आया है हट कर रहा है, इतना कर दूंगी कि अपनी आंखों पर बंदी पट्टी एक बार उतारूंगी, और अब तक का जो पातिव्रत धर्म का अंदर का ओज है मेरा, संकल्प का तेज है जो मेरे, वो जब मेरी पट्टी खुलेगी तेरे शरीर को वज्र का बना देगी, तेरे शरीर पर किसी के अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब दुर्योधन तो पहले ही ऐसी सोच का व्यक्ति है कि कोई बात नहीं, चलो ये भी मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, मैं नहीं मरूंगा, सारे मरे तो मरे, कम से कम मैं तो नहीं मरूंगा। और इसीलिए पहले अध्याय का 9वां श्लोक आप देखेंगे, वहां दुर्योधन की यह सोच निकली भी है। जब गुरु के पास गया, पांडवों की बात आई तो पांडवों को कहने लगा, इतने इतने योद्धा हैं पांडव सेना में, 19 नाम गिनवा डाले, और जब अपनी बात आई कौरवों की, केवल 7 नाम गिनवा कर चुप हो गया दुर्योधन। हमारी सेना में तो यही है, इमर कई लोग दिखते हैं, बड़ा आश्चर्य भी होता है, कुछ लोग ऐसे दिखते हैं कि जो थोड़ा होते हुए भी इतनी बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, थोड़ा साधन है, थोड़ा है तो भी कहीं व्यवस्था, कहीं बात, कहीं साधन, थोड़े में भी बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। और कहीं कहीं ऐसा भी दिखता है सब कुछ भगवान ने दे रखा है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन तो भी हर समय शिकवे, हंसना जी उसके पास इतना, हमारे पास तो कहां कुछ, हम तो बस ऐसे के ऐसे ही हैं। अरे भाई वैसे के वैसे ही क्यों रहते हो, खुल के उसकी कृपा का आनंद लो, जो है उसमें उसकी कृपा की मौज लो, आगे और हो उसके लिए पुरुषार्थ करो, प्रयास करो, उससे प्रार्थना करो, और पुरुषार्थ और प्रार्थना के पटरी उस पर जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाओ, जीवन का आनंद लो ना, हर समय शिकवे, हर समय शिकायत। और 10वां श्लोक जब आप देखोगे, हाँ 9वें श्लोक की बात हम कर रहे थे, तो दुर्योधन पांडवों की बात आई, हालांकि पांडवों की सेना अधिक थी या कौरवों की, कौरवों की सेना अधिक थी, कितना अंतर था कोई बताएगा, कितना अंतर था, 4 अक्षौणी का, पांडवों की सेना 11 अक्षौणी, ठीक बात है, पांडवों की 7 कौरवों की 11, लेकिन ये 4 अक्षौणी का भी जो अंतर था, ये 4 अक्षौणी का अंतर केवल 4 का अंतर नहीं था, लगभग 10.5 लाख सैनिकों का अंतर था, कि उस समय एक अक्षौणी सेना में 2,62,000 से अधिक सैनिक, महाभारत के उद्योग पर्व में बड़ा विस्तृत वर्णन है इसका, 10.5 लाख सैनिक अधिक थे, लेकिन तो भी दुर्योधन अपनी सेना की बात आई तो कहते हैं बस आचार्य हमारे पास तो बस यही है,
और पांडवों के पास देखो इतने योद्धा, इतने बलि। और दसवें श्लोक में तो हद कर दी इस व्यक्ति ने, हद कर दी। आचार्य के पास भी अपना कपट कहने में, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम त्विदमे तेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। आचार्य, भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित हमारी सेना अपर्याप्त है और भीम के द्वारा रक्षित पांडवों की सेना पर्याप्त। वहां पर्याप्त शब्द लगाया। अरे पगले, तेरे पास 10.5 लाख सैनिक अधिक, पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त, कर्ण के पास अमोघ शक्ति, द्रोणाचार्य को वर प्राप्त कि जब तक शस्त्र हाथ में है कोई मार नहीं सकता, और उसके बाद ढेरों एक लंबी सूची कौरवों के पास ऐसे दिव्य योद्धा, अश्वत्थामा कौरवों के पक्ष में, कृपाचार्य कौरवों के पक्ष में है, और खुद दुर्योधन दुशासन, लेकिन तो भी सोच का अंतर। दुर्योधन कहता है हमारी सेना तो अपर्याप्त सी ही, मुझे तो जैसे हमने बताया ना, एक मानवीय सोच कई बार बन जाती है, बहुत कुछ होते हुए ना जी वह हमारे पास तो कुछ है, हम तो बस ठीक है। अर्जुन की सोच है। पहले अध्याय में एक श्लोक आप देखें 9वां दुर्योधन की सोच का, एक श्लोक आप देखें 32वां अर्जुन की सोच का। दुर्योधन शब्द लगाता है मदर थे कि मेरे निमित्त से ये सारे हैं मैं, और अर्जुन विषाद की स्थिति में कहता है ये शाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानी च हे कृष्ण, जिनके लिए मुझे ये राज्य चाहिए वो सब तो यहां मरने के लिए तैयार हैं, मैं राज्य लेके भी। जीव गीता की ओर से अलग अलग भाव का कुछ साहित्य प्रकाशित हुआ, टीचर्स के लिए गीता, स्टूडेंट्स के लिए गीता, डॉक्टर्स के लिए गीता, पेशेंट्स के लिए गीता। अभी हम कल यहां की जेल में जब गए, जेल प्रिजनर्स के लिए गीता, और उसमें लेटेस्ट जो 2 एडिशन निकले वो एक पॉलिटिशियंस के लिए गीता, स्वस्थ राजनीति समृद्ध राष्ट्र के नाम से, और एक वरिष्ठ जनों के लिए गीता, वरिष्ठ जनों के लिए विशिष्ट उपहार के नाम से भगवद गीता, साथी भी सहारा भी, बुढ़ापे का उस आयु का जब सेवानिवृत्ति की आयु है उस समय का सच्चा साथी और सहारा, नाम भी उसका यही है भगवद गीता, साथी भी सहारा भी। तो जो राजनीतिज्ञों के लिए गीता की बात आई है भगवद गीता फॉर पॉलिटिशियंस, उसमें ये प्रारंभ यहां से किया गया कि राजनेताओं को गीता अवश्य पढ़नी चाहिए और ये सीख लेनी चाहिए कि एक और दुर्योधन है वो कहता है मेरे लिए सारा कुछ, ये राज्य भी मेरे लिए, सुख भी मेरे लिए, और एक और अर्जुन है, अर्जुन कहता है कृष्ण मुझे ये राज सत्ता अपने सुख भोग के लिए थोड़ा ना चाहिए, ये शाम अर्थे कांक्षितम जिनके लिए मुझे ये राज्य चाहिए वही सारे मारे गए, तो मैं इस राज्य का करूंगा क्या, मुझे सत्ता अपने सुख भोग के लिए नहीं प्रजा के हित के लिए चाहिए। यह है गीता, हर बात का उत्तर है गीता, हर बात का। बात चल रही थी दुर्योधन अपनी इसी सोच के कारण किसी का आशीर्वाद नहीं, सिकुड़ी सोच, बंद सोच, अहंकार के दायरे में सिमटी हुई सोच दुर्योधन, बस मैं और मेरा ये घेरा, बस वहां तक सिमटी हुई सोच, उसके आगे कुछ नहीं। और जब सोच और सोच में ये अहंकार बड़ों के आगे भी झुकने की अनुमति नहीं देता तो तब आशीर्वाद कहां से ले लोगे? आशीर्वाद तो विनम्रता से ही मिलेगा, झुकने में, जैसे प्रसाद
खाली हाथ ऐसे करने से ही तो मिलेगा ना, या करने से मिल जाएगा। कोई सोचे मैं ऐसे खड़ा भी रहूं, कई बार होता है, दो बार हुआ हमारे साथ भी, प्रसाद देते देते कोई साइड में खड़े खड़े, महाराज जी मुझे तो आपने प्रसाद दिया नहीं। हमने कहा भाई जी प्रसाद ऐसे नहीं मिला करता। अब जिस टोन में उसने कहा हमने भी वैसे ही कह दिया, ये प्रसाद ऐसे नहीं मिला करता, प्रसाद के लिए तो आगे आना पड़ेगा, हाथ खाली ऐसे फैलाने पड़ेंगे, प्रसाद तो खाली अंजलि में मिला करता है, इस मुद्रा से प्रसाद नहीं मिला करता। अहंकार कुछ प्राप्त नहीं होने देता, और इसीलिए दुर्योधन की सोच, गांधारी ने भी, और तो किसी का आशीर्वाद क्या मिलना, गांधारी ने भी दुर्योधन को ये आशीर्वाद तीन बार कहा। दुर्योधन ने मां आशीर्वाद नहीं दोगी क्या, और कैसा आशीर्वाद चाहता है, यदि विजयी होने का। गांधारी चुप हो जाती है। जब तीसरी बार दुर्योधन कहते हैं मां आशीर्वाद मांग रहा हूं आपसे विजयी होने का, गांधारी कहती है दुर्योधन झूठा आशीर्वाद कैसे वाणी से निकाल तुम्हें, और तब कहा था कि मैं इतना काम कर सकती हूं कि तू मेरे सामने आ जा, एक बार मैं पट्टिका उतारूंगी, तेरे शरीर पर कोई वस्त्र नहीं उस समय होना चाहिए, ऊपर से नीचे तक दृष्टि डालूंगी, बेटा ही तो था, और तेरा शरीर वज्र का बन जाएगा जहां मेरी दृष्टि पड़ेगी, बस यही अंतर दिखाई देता है। हेयर लाइज द डिफरेंस। यहां अंतर है कि दुर्योधन का साथी कौन है और अर्जुन का साथी और सारथी कौन है। दुर्योधन का साथी अहंकार है, और अहंकार कहीं ना कहीं गिरता है। अब पूरा इतिहास भी भारत का देखो और अध्यात्म शास्त्र भी भारत के देखो, आपको कहीं नहीं दिखेगा। हां ये जरूर दिखेगा, अहंकार और विश्वास हर युग में, हर काल में, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं अहंकार और विश्वास का संघर्ष, द्वंद्व, टकराए तो अवश्य है, लेकिन यह आपको कभी नहीं दिखेगा कि अंतिम विजय अहंकार की हुई हो, कभी नहीं दिखेगा अंतिम विजय अहंकार की कभी नहीं हुई। हिरण्याक्षपु का अहंकार नहीं जीता, प्रहलाद का सत्य कष्ट पाता रहा, लेकिन अंतिम विजय प्रहलाद के उस विश्वास की हुई जो नारायण नाम पर विश्वास था हर समय। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 Narayan, Shri Narayan, 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 Narayan,
नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 विजयी कभी नहीं हुआ। अहंकार का उत्थान भी वास्तविक कभी नहीं हुआ। हिरण्याक्षपु का अहंकार नहीं जीता, प्रहलाद का विश्वास जीता। रावण का अहंकार नहीं, विभीषण का राम नाम पर विश्वास, जीवन काल में भी सम्मान और पश्चात भी चिरंजीवियों में नाम। हम सब जानते हैं दुशासन का अहंकार पछाड़ खा करके गिरा था और द्रौपदी का किया गया अपने प्यारे कृष्ण पर विश्वास पूरे विश्व में वस्त्रावतार के रूप में एक उदाहरण बन गया था। विजय अहंकार की कभी नहीं हुई, विश्वास की ही होती है, विनम्रता की होती है। दुर्योधन अहंकार का प्रतीक है। आशीर्वाद भी, दुआएं भी, सद्भावनाएं भी अहंकार के साथ कभी नहीं जुड़ती। अब घर परिवार में भी देख लें,
अगर ईगो होगी, ईगो टकराएगी तो कलह होगी, सद्भाव नहीं होगा। संस्थाओं में भी यदि किसी एक की ईगो अधिक हावी होगी तो दूसरों को जोड़ नहीं पाएगा साथ। कहीं भी अहंकार तोड़ता है, विनम्रता जोड़ती है। अहंकार कहीं ना कहीं प्रदूषण है, वैचारिक प्रदूषण, और विनम्रता और विश्वास जीवन का वास्तविक आभूषण है, वास्तविक आभूषण। अर्जुन के पास वो था, और इसीलिए अर्जुन को हर किसी का आशीर्वाद मिला, हर किसी का। दुर्योधन मां का आशीर्वाद, जो अंतर की बात कही जा रही थी, अर्जुन ने जब कहा कल जो प्रसंग था कि कृष्ण मुझे आप चाहिए, केवल आप, सेना दुर्योधन को दे दो, अस्त्र शस्त्र भी दे दो, आप मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं, महाभारत युद्ध में मेरे लिए ये एहसास और ये विश्वास मेरी सबसे बड़ी पूंजी बनकर रहेगा, कृष्ण आप मेरे साथ हैं। और अब देखें महाभारत युद्ध में कि दुर्योधन के अहंकार ने दुर्योधन को कहीं भी आगे नहीं बढ़ने दिया। पितामह को यहां तक कहना पड़ा दुर्योधन से एक बार कि दुर्योधन कम से कम बड़ों से बात करने की सभ्यता तो सीख, इस आंख और नाक कुछ नीची रखकर गुरुजनों से और बड़े जनों से बात करने की सभ्यता पहले सीख। मां ने कह दिया आशीर्वाद नहीं दूंगी, झूठा आशीर्वाद नहीं निकालूंगी मुंह से, हां इतना कर दूंगी कि तेरा शरीर वज्र का बन जाए। लेकिन कृष्ण थे ना अर्जुन के साथ, पांडवों के साथ, वो जानते थे। और ये बात बार बार कही जा रही है कि कृष्ण की भूमिका केवल माखन चुरैया, चीर चुरैया, रास रचैया, वो उनकी लीलाएं हैं, लेकिन कृष्ण आम आत्मा गुड़ा के सर्वभूता शस्थिता, ये वो कृष्ण है। कृष्ण हमारी आत्मा भी तो है। और कल संकेत किया था कि अर्जुन का भक्तो असी में सखा चेते, अर्जुन के साथ तो सखत्व भाव की इतनी घनिष्ठता है कि संजय को भी देख करके जाकर कौरव पक्ष में संदेश देना पड़ा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने साफ कह दिया था संजय तो अपने पक्ष में जाकर कह देना कि जो अर्जुन से द्वेष करता है वो मेरे से द्वेष करता है, और जो अर्जुन का साथ देगा वही मेरा साथ। यस्तम द्वेष्टि समाम द्वेष्टि, ये भगवान कृष्ण ने संजय के माध्यम से श्रीदत्त कौरवों के पास संदेश भिजवाया था कि साफ कह देना संजय कि जो अर्जुन से द्वेष कर रहा है वो अर्जुन से नहीं, वो मेरे से द्वेष कर रहा है। और संजय ने कहा था, जब धृतराष्ट्र ने पूछा वहां क्या देखा, कहा राजन मैंने जो देखा वाणी के शब्दों से बहुत अलग है, और ऐसा देखा, सत्य प्रसंग है, विस्तार का समय नहीं, कि कहीं भगवान कृष्ण का पांव दुर्योधन बैठा है, अर्जुन बैठा है अर्जुन की गोद में, और अर्जुन का पांव भगवान कृष्ण की गोद में, ये संजय ने देखा। और तब संजय ने कहा भी कि मैंने तो देखा कि वहां तो कृष्ण और अर्जुन दो हैं ही नहीं, कृष्णस्य आत्मा धनंजय और धनंजस्य आत्मा कृष्ण, कृष्ण की आत्मा अर्जुन है और अर्जुन की आत्मा कृष्ण है, मैंने तो ये देखा वहां, तो दो हैं ही नहीं। और यही कारण था
जो जानते थे खट खट के अंतर की जानत, सर्वज्ञ है कृष्ण, सर्वव्यापी है कृष्ण और सर्वशक्तिमान है कृष्ण। ये उनकी भक्त वत्सलता है कि ये सब होते हुए भी अपने भक्त के प्रेम में प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अब इंदु जी का अद्भुत भाव, अपना मान टले टल जाए लेकिन भक्त मान, वो तो उनकी भक्त वत्सलता है, उनके भक्त वत्सल हृदय है कि सर्वशक्तिमान कृष्ण, त्रिलोक्य की लगाम थामे हुए कृष्ण, 18 दिन तक महाभारत की युद्ध में कुरुक्षेत्र की धरा पर अर्जुन के रथ के घोड़ों की लगाम हांकता हुआ दिखाई दे रहा है कृष्ण, ये तो उनकी भाव वत्सलता है। लेकिन वो जानते हैं और यही कारण है कि जब गांधारी ने कहा कि शरीर पर वस्त्र नहीं, बस मेरे सामने आ जाना, कृष्ण ने कहा एक बार फिर चुनौती सामने है। और कहीं गांधारी ने दुर्योधन के पूरे शरीर पर दृष्टिपात कर दिया पट्टिका खुलते ही, और यह सत्य है कि उसकी दृष्टि का प्रभाव इस समय अर्जुन दुर्योधन के शरीर को वज्र बना ही देगा। और यदि दुर्योधन ही नहीं समाप्त हुआ युद्ध में तो ये युद्ध किसके लिए, यदि जड़ फिर बनी रह गई, कि महाभारत युद्ध की जड़ रूट दुर्योधन का अहम मुख्य कारण है महाभारत युद्ध का, और वही बना रहा तो कृष्ण सोचने लगे, स्वाभाविक था कि युद्ध करके भी क्या होगा। और इसीलिए जो अंतर की बात कही जा रही थी, कृष्ण ने अर्जुन को साथी बनाया, सारथी बनाया अर्जुन ने कृष्ण को, और भगवान कृष्ण ने भी पग पग पर और पल पल में ध्यान रखा कहीं चूक ना हो जाए। और यहां छोटी सी बात नहीं, बहुत भयंकर रूप ले सकती थी। और इसीलिए जब दुर्योधन जा रहा था, शरीर पर वस्त्र नहीं थे, कुछ ही दूर पे मां थी, और बीच में अचानक कृष्ण सामने आ गए। अरे मूर्ख, ये क्या है? दुर्योधन तो हैरान, ये कहां से कृष्ण बीच में? लेकिन कृष्ण को तो कुछ करना ही थी लीला, कि इसके शरीर का कम से कम कुछ भाग तो ऐसा हो जहां गांधारी की दृष्टि ना पड़े, और जिस जहां से अवसर मिल जाए दुर्योधन को समाप्त करने का। और जैसे कैसे दुर्योधन को कहकर, इतनी भी अकल नहीं, इतना बड़ा हो गया, ऐसे बात की का कम से कम इतना तो कर। और जब कुछ भगवान कृष्ण ने कुछ वहीं से करके कहा कम से कम इतना तो कर ले, और वो बातों में आ गया दुर्योधन, कर लिया। और जैसे ही गांधारी के पास पहुंचा, गांधारी ने पट्टिका खोली, दुर्योधन को ऊपर से नीचे तक देखा और देख करके मस्तक पर हाथ मारा, कहा मूर्ख ये तूने क्या कर लिया, मां के पास ही तो आ रहा था। लेकिन तभी गांधारी का माथा ठनका, इससे पहले कि दुर्योधन को उत्तर देता, गांधारी समझ गई ये कहीं ना कहीं कृष्ण की लीला है। साथ है तो भूमिका निभाई, ये कहीं ना कहीं कृष्ण की लीला है। और गांधारी के मुख से निकल गया कि दुर्योधन कहीं वो छलिया कृष्ण तो नहीं मिला रास्ते में। दुर्योधन ने कहा मां मिला तो था। बस गांधारी ने कहा
वो अपनी लीला एक बार फिर कर गया। और अब दुर्योधन युद्ध में जहां जहां मेरी दृष्टि पड़ी है वहां किसी के अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं होगा, लेकिन युद्ध में तो इस जंघा स्थान से ही मरेगा। और इसीलिए जब भीम और दुर्योधन का द्वंद्व युद्ध हो रहा था, गदा युद्ध हो रहा था, और भीम प्रहार करता था, शरीर पर असर ही नहीं कुछ, अंत में भगवान ने थोड़ा हाथ ऐसे लगाकर, भगवान कृष्ण ने हाथ ऐसे लगा करके दिखाया कि गदा का वार यहां करने से तुम दुर्योधन, तो उसके पीछे घटना यह थी। तो बात चल रही थी अहंकार के कारण दुर्योधन जीवन में किसी का आशीर्वाद नहीं ले पाया, लेकिन अगर पन्ने पलटे जो संकेत किया था कि कभी अपने ग्रंथों के तो आपको मिलेंगे ऐसे ऐसे उदाहरण भी कि युद्ध से पहले दुर्योधन भी गुरु के पास गया, क्यों गुरु एक ही थे पांडव कौरव दोनों के, द्रोणाचार्य, और युधिष्ठिर भी गुरु के पास गए, बिल्कुल तैयारी थी, शंखनाद हो चुका था। महाभारत में वर्णन है, कोई भी काल्पनिक बात या कोई इधर उधर की बात का स्वभाव नहीं है। युधिष्ठिर जैसे ही युद्ध की तैयारी, युधिष्ठिर रथ से उतरे, तेजी से कौरव पक्ष की ओर चल दिए। सब हैरान थे कि युद्ध होने को और धर्मराज को क्या हो गया, ये अपने इधर से उतरकर कौरव पक्ष की ओर भागते जा रहे हैं। लेकिन जब युधिष्ठिर चलते चलते पहुंचे जहां गुरु द्रोणाचार्य थे, जहां पितामह भीष्म थे, वहां जाकर रुके, यहां से आपको मिलेगा भारत का वास्तविक दर्शन। क्या भारत क्या है, भारत की सही तस्वीर क्या है, वो ग्रंथों से आपको दिखाई देगी, अपने समृद्ध अतीत से दिखाई देगी। काश कोई प्रेरणा ले पाए, वहां दिखेगी भारत की तस्वीर क्या है। और जब युधिष्ठिर गए और जाकर के प्रणाम किया गुरुदेव को, पितामह को, दोनों हैरान थे कि इस विकट समय में धर्मराज अपना पक्ष छोड़कर यहां, पूछा कैसे। युधिष्ठिर ने कहा गुरुदेव अब देखें दुर्योधन गया तो आपको बताया गीता जी के श्लोक कि गुरु के पास जाकर भी कपट नहीं छोड़ा, अहंकार साथ है, लेकिन विपक्ष में खड़े होकर भी युधिष्ठिर गुरु के पास जाते हैं और विनम्र प्रणाम करते हैं। और जब पूछा जाता है कैसे आए धर्मराज इस विकट समय में, कहा गुरुदेव आपके विरुद्ध युद्ध कर सके इसकी आज्ञा लेने आया हूं। और हाथ कर दिए, गुरुदेव ने हाथ किए, ठीक है अनुमति है, समय की और परिस्थितियों की स्थिति ऐसी है इस समय, युद्ध है करो। लेकिन अनुमति लेने के बाद भी जब युधिष्ठिर वहीं खड़े रहे, फिर पूछा कि अब कैसे खड़े हो। आजकल तो कई बार हो जाता है ना कि अगर माता पिता आजकल बच्चे के अनुसार ना चलें, बच्चे की बात ना माने, तो मैं कई जगह देखा बच्चे माता पिता से बोलना छोड़ देते हैं कई कई दिन, या बोलेंगे भी तो पूरे उसमें मेरी बात क्यों नहीं मानी, मेरी बात क्यों नहीं सुनी, मैंने ऐसा कहा था। लेकिन आप देखें भारत, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये बच्चों को पढ़ाए जाने चाहिए ये प्रसंग। अब
पुराना आततायियों का इतिहास वही पढ़ाए जा रहे हैं जिन्होंने आक्रमण किए, जिन्होंने लूटा देश को, वही बच्चों को पढ़ाए। कमाल, ये पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को, ये भारत है कि विपक्ष में खड़े हैं भले ही गुरुदेव और पितामह, लेकिन तो भी मेरा कर्तव्य है बड़ों का सम्मान। गीता यही तो सिखाती है कि मुझे मेरे कर्तव्य का ध्यान रखना है, उसका परिणाम जो प्रणाम का है, प्रणाम का परिणाम निश्चित रूप से सुखद है, आशीर्वाद ही होता है प्रणाम का परिणाम। और जब फिर पूछा, धर्मराज अनुमति मिल गई, अब क्यों खड़े हो? तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव अनुमति तो मिल गई लेकिन अभी आशीर्वाद नहीं मिला। कहा, कैसा आशीर्वाद इस समय? कहा, अनुमति तो युद्ध करने की मिली है लेकिन आशीर्वाद चाहता हूं कि आपके विरुद्ध युद्ध में विजय हमारी हो, क्योंकि हमारा पक्ष धर्म का है, वो आप भी जानते हो। उसका आशीर्वाद चाहता हूं आपसे कि विजय हमारी हो, आपकी नहीं। तो वहां महाभारत में लिखा है कि गुरु द्रोणाचार्य ने उस समय कहा, मुस्कुराते हुए कहा कि धर्मराज जाओ, तुम्हारी विजय तो अटल है। ध्रुवस्ते विज्यो राजन, महाभारत का प्रसंग है, ध्रुवस्ते विज्यो राजन यस्य मंत्री हरिस्तव, तुम्हारी विजय ध्रुव अंतिम शब्द होता है, अब अवश्य होगी, अनिवार्य रूप से होगी, अटल है, लेकिन इस सब से भी आगे का जो शब्द है वो है ध्रुव। जैसे भगवद गीता में भी आया, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु ध्रुव, अर्थात ताले नहीं टल सकती, अटल है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, जाओ धर्मराज, आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। ध्रुवस्ते विज्यो राजन यस्य मंत्री हरिस्तव, क्योंकि आपके मंत्री, मंत्रणा देने वाले स्वयं हरि, स्वयं भगवान कृष्ण है, तुम्हारी विजय को कौन रोक सकता है? और वहीं ये बात थी, यतो कृष्णस ततो धर्मा और यतो धर्मस ततो जया। जहां कृष्ण है वहीं धर्म है, और जहां धर्म है वहीं जीत है। तो वहां द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर से कह के भेजा था। तो अब देखें कि गीता का तत्प्रारंभ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, उसके बाद दुर्योधन की एक दुर्योधनी सोच, ईर्ष्या द्वेष रोष आक्रोश और अहंकार से भरी हुई, और उसका परिणाम हमने देखा। लेकिन दूसरी सोच अर्जुन की, कि साथी कृष्ण, सारथी कृष्ण, दुर्योधन प्रवेश करता है महाभारत के रण संग्राम में अपने अहंकार के साथ, और अर्जुन प्रवेश करता है महाभारत युद्ध में कृष्ण मुरार के कृपा आधार के साथ, और ये अंतर है दोनों में। और हम सबको भी आज यही प्रेरणा लेकर के उठना है कि हमें जीवन के इस महाभारत में, संसार के इस संघर्षों की महाभारत, ये संघर्ष तो कहीं ना कहीं है ही, सर्वत्र है, सर्वदा है, संघर्ष तो है किसी न किसी रूप में। ये संघर्ष ही महाभारत है, द्वंद्व ही महाभारत है। हमें इस जीवन के संघर्षों में हमें कैसे प्रवेश करना है? क्या कृष्ण भाव के साथ, प्रभु को साथ लेकर, या वही अपनी ईगो, अपनी बंद सोच, तंग सोच को साथ लेकर के, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च, हे पार्थ,
हर समय मेरे स्मरण को तो अपने साथ रख और युद्ध चय जीवन के संघर्षों में लगा रहे। विजय का मार्ग, सफलता का मार्ग गीता के अनुसार यही है। मेरा एक लाइन गुनगुनाकर आरती की, मेरा सच्चा साथी तू, मेरा एक सहारा तू, 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 मेरी जीवन नैया का प्रभु केवल हारा जीवन नैया का प्रभु जीवन हारा तू, मेरी जीवन नैया का प्रभु जीवन हारा तू, मेरी जीवन नैया का प्रभु जीवन हारा तू, मेरा सच्चा साथी तू, मेरा एक सहारा 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 तू, मेरा एक सहारा तू, मेरा एक सहारा तू, मेरा जीवन हारा तू, मेरा जीवन हारा। सभी सुखी हो सभी निरोगी, सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगल में हो सबका जीवन, मंगल में हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ, मेरे मैं आपको भूलू नहीं, मैं आपको भूलू नहीं, मेरे नाथ, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, आप मुझसे दूर ना रहें, मेरे नाथ, मेरे नाथ आप अपनी कृपा, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें, सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। श्री कृष्ण कृपा सब प्रकार से सब पर बनी रहे। आज तीसरे दिन के सत्संग सत्र विश्राम पर आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना आए हुए विभिन्न संस्थाओं के शुभेच्छुजन, विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्ध जन, संत जन, आदरणीय विप्रजन, सबके लिए हृदय से सद्भावना प्रेषित करते हुए संकेत कि चार दिवसीय सत्संग का कल विश्राम सत्र होगा। प्रातः जो एक घंटा ध्यान साधना अनेक साधक आते हैं, मौन भाव में एक घंटा ध्यान का एक अलग सा एहसास उसके लिए, और सायंकाल का सत्र भी कल विश्राम सत्र रहेगा। गीता जी की कुछ सार प्रेरणाओं पर कल हम समापन में विचार करेंगे कि कैसे एक सम जीवन, संतुलित जीवन, शांत जीवन, स्थिर जीवन हम जी सकते हैं। ऐसे कुछ सूत्र हम गीता से लेंगे, और जीवन ही नहीं कैसे एक अच्छा पारिवारिक जीवन, ग्रस्त जीवन, गीता के वो सूत्र क्या है जो एक ग्रस्त को आदर्श ग्रस्त बना सकते हैं, और एक अच्छा हमें राष्ट्र का एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं। कैसे हम अपने राष्ट्र के प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज, अलग अलग क्षेत्रों में हम कैसे अपने दायित्व को अच्छे से निभा सकते हैं, और जिस प्रभु ने जीवन दिया है उस प्रभु के प्रति भी
हम कैसे प्रभु की दृष्टि में भी उनके प्रिय पात्र, उनके विश्वास पात्र बन सकते हैं। कुछ ऐसे सूत्रों पर कल चर्चा रहेगी। आज इतना ही। जो सुना है अवश्य एक बार रात्रि विश्राम से पहले विचारें, क्योंकि ये गीता सत्संग केवल थोड़ी देर का मनोरंजन नहीं, प्रदर्शन भी नहीं, केवल आयोजन भी नहीं, ये जीवन की प्रेरणा के लिए है। हम जीवन को बिल्कुल गीता भाव के साथ भावित आनंद में और दूसरों की प्रेरणा में जीवन बना पाए, इसके लिए जो आज कुछ सूत्र थे उस पर अवश्य एक बार रात्रि विश्राम से पहले विचार करें। और कल आज कुछ बताया था कि कहीं कुछ और कार्यक्रम के कारण 15-20 मिनट आज थोड़ा देरी हुई आने की, लेकिन कल इसका थोड़ा चुकता कर देंगे। कल 3 बजे से भजन प्रारंभ होगा और 3:30-1 बजे हमारा प्रयास रहेगा कि 3:30 बजे मंच पर आकर के थोड़ा विस्तार से हम गीता जी की प्रेरणाओं पर कल चर्चा कर सके। सबको पुनः शुभकामनाओं सहित जय श्री कृष्ण। मिलकर भाव से गीता जी की आरती गाना। सभी प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हमारे बीच में हमारे कुछ अतिथि गण थोड़ा विलंब हो गए। मैं आदरणीय श्री मदन मोहन छाबड़ा कुरुक्षेत्र से हमारे से पधारे हैं। आपसे निवेदन करूंगा कि मंच पे आए, पूज्य गुरुदेव जी से स्मृति चिन्ह लें। हमारे बीच में अभिषेक कृष्णात्रेय जी प्रभु जी का परिवार से विशेष अनुरोध पर आए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कृपया मंच पे आएं, पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। पंडित गुलशन पराशर जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप भी मंच पे आएं। आदरणीय किशन लाल ठक्कर जी से भी अनुरोध करूंगा। पुनीत त्यागी जी भाजपा के हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, और प्रतीक मैनी जी जो हमारे बीच में देहरादून से हैं, आप भी आ जाएं। और आदरणीय रमेश नागपाल जी, आपसे अनुरोध करूंगा सभी अतिथिगण कृपया करके जल्दी जल्दी से आ जाएं। और एक या दो सूचनाएं, जैसे पूज्य गुरुदेव ने बताया, कल का गीता सत्संग 3 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। सुबह ध्यान साधना प्रातः 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। और आज का हमारा दीक्षित परिवारों की एक सभा यहाँ पर रखी हुई है पूज्य गुरुदेव जी के पावन सानिध्य में, ऊपर सामने हॉल में। सभी दीक्षित परिवार अभी आरती के बाद ऊपर जाएं, अभी घर नहीं जाएंगे कोई भी। और कल नेत्रहीन विद्यालय में सुबह 10:30 बजे का कार्यक्रम पूज्य गुरुदेव का रहेगा शुगर मिल पर, तो आप सभी इन कार्यक्रमों में पहुंचे। और कल सुबह का हमारा है, हाँ जी, हाँ, नेत्रहीन विद्यालय की बात राजकुमार ने कही है। जीव गीता की ओर से जैसे बताया गया कि अलग अलग विभागों के लिए गीता, ऐसे नेत्रहीन जो बच्चे हैं उनके लिए जीव गीता की ओर से पहली बार पूरी गीता जी को ब्रेल लिपि में करवाया गया है। और लगभग कई क्षेत्रों में अब यहाँ भी आप देखेंगे, कल हम प्रयास करेंगे कुछ वहां से बच्चे यहाँ गीता जब से यहाँ गीता पाठ करने लगे हैं, और जो कार्यकर्ता जाते हैं वो बताते हैं कि बच्चों का, और कई जगह पानीपत फरीदाबाद बच्चे जब पाठ करते हैं तो स्वयं कहते हैं कि हमारे जीवन का में एक नया विश्वास जगा है गीता के साथ, नहीं तो अंधेरा ही अंधेरा दिखता था। तो यहाँ सहारनपुर में भी नियमित गीता पाठ वो बच्चे कर रहे हैं और ब्रेल लिपि में गीता, और प्रयास है कि देश के हर नेत्रहीन विद्यालय तक जीव गीता का ये भाव पहुंच पाए। हमारे बीच में शैंकी नारंग जी भी हैं, आपसे अनुरोध आप भी मंच पे आ जाएं। और अनिल सेठी जी और संजीव सेठी जी भी कृपया करके जल्दी जल्दी आरती से पूर्व। आज का प्रसाद भी हमारे शैंकी नारंग जी नारंग बीज भंडार की ओर से है। प्लीज जितने भी महानुभाव के नाम बोले हैं जल्दी आ जाएं। कल पूज्य गुरुदेव का चौंताला जो हमारा मोहल्ले में श्री बालाई धाम मंदिर है वहां पर भी जाने का रहेगा, वहां भी सभी लोग पहुंचें। और कल सुबह 8 बजे साउथ सिटी में आदरणीय श्री हरीश नारंग जी की ओर से सिद्धपीठ के अंदर जीव गीता हवन यज्ञ रखा गया है, सभी लोग समय से पहुंचे। सभी लोग श्री कृष्ण कृपा जीव गीता परिवार से जुड़ने के लिए हमारे से संपर्क करें। पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित सत साहित्य बाहर हमारे स्टॉल पर उपलब्ध है, जो भी सत साहित्य पूज्य गुरुदेव जी का प्राप्त करना चाहता है वो ले सकते हैं। और जैसे कि आपको पूर्व में सभी सूचनाएं दी गई हैं, सभी से हमारा निवेदन है कृपया करके जो भी मंच पर है कृपया करके जल्दी से नीचे आ जाए। हमारे बीच में सीनियर सिटीजन से हमारे कृष्ण अरोड़ा जी अपने साथियों के साथ, हमारे वरिष्ठ जितने भी हमारे नगर के उनके साथ हैं, कृपया करके वो 2 मिनट के लिए मंच पे आ जाए।
और आरती के लिए हमारे पवन जी, हमारे जितने भी यहाँ पर अतिथि आए हुए हैं, मानुभाव हैं, विशेष अतिथि हैं, मेरा सभी से अनुरोध है कि वो कृपया मंच पे आगे आ जाए और आरती के लिए सभी आरती करेंगे। पवन जी जी विप्रजन सभी आरती के लिए राजकुमार मीडियम सभी आरती के लिए इधर आगे सके सखियो प्रिय प्रियाय ऐसी देव छोड़ो सर्वधर्मान धर्मान परीता जय मामिकम शोडुम ब्रज एम त्वा सर्वापेभ्यो मोक्षी शमी मार्षु जय बोल सीता माता की जय। गुरुदेव का सपना तब पूरा होएगा जब हम गीता पढ़ेंगे और गीता पढ़ाएंगे गीता को घर घर ले जाएंगे ऊंच नीच ना जात पात गीता माता सबके साथ भारत की पहचान है गीता गुरुवर जी की शान है गीता गीता पढ़ो और गीता पढ़ाओ खुद हंसो औरों को हंसाओ रोज सुबह स्कूल में जाती गीता माता साथ ले जाती बैग में रखी गीता माता हर पल रा साथ निभाती कंसंट्रेशन मेरी बढ़ती कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ाती रात को जब मैं सोने जाती गीता जी के श्लोक में गाती कान्हा जी की गोद में बड़ी प्यारी नींद आती जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। सब रोगों की एक दवाई गीता पढ़ लो मेरे भाई जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की गीता माता की भगवती गीता माता की गीता माता की भगवती गीता माता की आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की कर्म भक्ति और ज्ञान की धारा धोवे मन का कलमश सारा त्रिवेणी संगम ये प्यारा आओ करे इस नाम पाए कृपा सुख दाता की आओ जीवन का उत्थान है गीता जीवन का उत्थान है गीता भारत की पहचान है गीता भारत की पहचान है गीता मानव तक मुस्कान है गीता मानव तक मुस्कान है गीता राग द्वेष भव भय नाश दुख शोक तराता की आओ सब आरती गाए भगवती गीता माता की आओ समता त्याग सिखावन हरी योगेश्वर की वाणी न्यारी वत्सल्य मई गीता प्यारी प्रेम करुण मुदिता अद्भुत आनंद प्रदाता की आओ सब आरती गाए भगवती गीता माता की आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की करुणामयी माँ करुणा कर दो करुणामयी माँ करुणा कर दो श्री कृष्ण कृपा का ऐसा वर दो श्री कृष्ण कृपा का ऐसा वर दो रोम रोम में भाव ये भर दो रोम रोम में भाव ये भर दो सुख दुख मान अपमान सभी है लीला विधाता की आओ सब आरती गाए भगवती गीता माता
गीता माता की, गीता माता की भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की, आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की, भगवती गीता माता।